दुनिया चले जा श्री राम के बिना, राम जी चले जा हनुमान के बिना, दुनिया चले जा श्री राम के बिना, राम जी चले जा हनुमान के बिना, दुनिया एक साथ बार बार करके दुनिया दुनिया अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अरे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान। अरे जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, मयूर गाता हूं इसको, जब से एनसीईआरटी पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। मस्ती करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब से 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 रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण बात क्या है कि पेपर सारा कहां से आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है, कि रावण मरे न श्री राम के बिना। जिंदगी में स्वीकार करो और फिर चैलेंज करो। स्वीकार ये करेंगे कि सिलेक्शन पढ़ने से होता है और चैलेंज ये करते हैं कि हम पढ़ेंगे। अगला साफ कहता है कि रावण मरे न श्री राम के बिना। आपको मारवाड़ी आती है, मारवाड़ी इसमें एक शब्द आएगा मारवाड़ी का, बहुत अच्छा लगता है। देखो दोस्तों कुछ शब्द बहुत प्यारे हैं, आप किसी अंकल कहो आंटी कहो मजा नहीं आता, और ये कहो ये मेरे माइत है बहुत अच्छा लगता है। जानते हो माइत क्या होते हैं हमारे गार्जियन। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है। कौन सी बात? कि डायग्राम के क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी के। रावण मरे न श्री राम के बिना। देखो 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 शब्दों में बड़ा खेल है, इसको आप ऐसे पढ़ो ना, तो इस शब्दों को देखो जिसको मैं ऐसे बजरंग से गाऊं। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, मजा ही नहीं आया। ऐसे देखो कि रावण 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 मरे न श्री राम के बिना। एक शब्द आएगा मारवाड़ी का झुंझाना, कि रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका बड़े न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका बड़े न हनुमान के बिना, दुनिया 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 चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अगला सीन होता है लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, संजीवनी मूर्ति लानी होती है, तो फिर कहता है लिखने वाला कि लक्ष्मण लक्ष्मण बचे न श्री राम।
लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण 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 बोलो सियापति रामचंद्र की। आदर्श कोई राम से बड़ा नहीं हो सकता। पिता के एक कहने से वनवास चला जाता, राज दरबार छोड़ देता है, 14 साल तक जंगल में रहता है। और आप देखना अयोध्या से चल के रावण पे विजय पाने से वापस अयोध्या आने तक किसी वीआईपी से दोस्ती नहीं करते हैं, सामान्य से लोगों से दोस्ती करते हैं। रावण लंका पे रावण को हरा के उसके भाई को राजपाट लेके आते हैं, वहां खुद राज नहीं करते हैं। अयोध्या आने के बाद जब माँ सीता के बारे में लोग कहते हैं, कहना बहुत आसान है, अपनी पत्नी को त्याग देते हैं। और आपको से पता होगा जब माँ सीता को वापस लोगों ने कहने से माँ सीते वापस जंगल चले गए थे, तो राम को यज्ञ करना था। उस यज्ञ की शर्त होती है कि पति पत्नी का बैठना बहुत जरूरी है। और राजाओं आप जानते हो पहले मल्टी मैरिज एक दो शादी करना, उस समय जो परंपरा थी वो कोई बुरी नहीं थी। राम को सब ने कहा कि आप सीता जंगल है, सीता आएगी नहीं, आप शादी करके और पति पत्नी से जोड़े बैठेंगे। ये बात जब सीता के पास गई, सीता ने कहा कि ये राम की अब रियल परीक्षा मेरे राम की अब होगी। तो आपको पता होगा उसका फिर राम ने कहा अपने जो अपने राज के गुरु होते हैं तो उनके सलाहकार होते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो फिर गुरु विश्वामित्र ने कहा कि आप सोने की एक अपनी पत्नी की इतनी बड़ी मूर्ति बना के बैठाते हैं तो यज्ञ हो सकते हैं। और उस मेरे राम ने सोने की मूर्ति पर यज्ञ पूरा किया था, इसलिए हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। दोस्तों बहुत मुश्किल है राम बनना जिंदगी में। अक्सर एक बात कहता हूँ कि एक बार ये व्यक्ति के चल गए पक्षियों पे तो जिंदगी में वो भाई को नहीं छोड़ सकते, परिवार को नहीं छोड़ सकते। ऐसा कौन सा गुण है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो मेरे राम में नहीं है? त्याग का हो चाहे परिवार का हो चाहे अपने राजा अपनी प्रजा के लिए काम करना हो, तब लोग हम प्यार से करें। एक बार बोले भगवान श्री रामचंद्र की कि लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बिल्कुल सही कहता अगला कि लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी ला देना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना, बूटी ला देना हनुमान के बिना। दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम की चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, थोड़ा सा मैं इस बात को जल्द स्वीकारता। बहुत अच्छी से लाइन है, भगवान राम और हनुमान जी पे जुड़ी हुई है। क्या कहते हैं कि बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, जो बाबा के पास हम जाते थे, बाबा का आसन होता था, एक मुड्ढा था ऐसा, उठे बैठे होते थे, हम लोग नीचे बैठे होते थे। तो वो लोग वो सीन देखा, उन लोगों ने एक अच्छा सा फोटो भी इस चीज का है, वो भी दिखाएंगे आप। कि बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे थे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे थे हनुमान जी। बैठे रामचंद्र की बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे थे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे थे हनुमान जी। भजन की लाइन तो कुछ ऐसी है कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। हम इसको कैसे नहीं गाते? हमने बहुत सारे भजन चेंज कर रखे हैं। अब मैं उस बच्चे के लिए गा रहा हूँ जो कस्टमर नहीं है, सीएल सेल बन के बैठा। तो ये भजन ऐसे कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। आज बच्चा काफी बच्चा चेंज हो गया, लेकिन बच्चे चेंज वो नहीं हुए जो चिरंग के साथ रहते हैं।
मैं चेन्नई वाक में 2003 में मेरे घर में चार बच्चे रहते थे, वो चारों हॉस्पिटल आते हैं। लास्ट में घर पे भी रहता था, आज फिर घर पे वो चार बच्चे रह रहे हैं। मेरे घर में तो चार पांच की जगह रखने की है, वो हमेशा रहते आए, वो आज भी रह रहे हैं। तो हम तो उसी स्टेक पे काम कर रहे हैं। तो भक्ति मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। वो उस समय बच्चे देखते थे, बाबा बैठे बुढ़े पे, हम नीचे बैठे हैं। फिर बच्चे कह रहे हैं रिजल्ट चाहिए, मेहनत करनी है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत से रिजल्ट मिलता है, पर अकेली मेहनत से रिजल्ट मिलता तो फिर सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है। सबसे मेहनत के साथ साथ आपकी एक ट्रिक हो, प्रॉपर टाइम हो, दुआएं भी हो, तो हम इसको ऐसे कहते हैं भजन इस तरह से कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। तो जो सीएलसीएन है उसके लिए मैं भजन किस तरह गाता था, आज कई दिनों बाद गा रहा हूं, पता नहीं कौन से चेहरे से दिख रहे हैं कि गाया जा सकता है। सिलेक्शन मिले ना तुम्हें बाबा के बिना, सिलेक्शन मिले ना, ये दो चित्र लगे हुए हैं ना, ये चित्र बाई चांस नहीं है, ये मेरा हॉस्टल बना हुआ नाथ जी, इस पे उन गुरुदेव का नाम मकरनाथ जी के नाम पे है। बाबा हॉस्टल मतलब सबसे पहला हॉस्टल था बाबा के नाम पे है, क्योंकि उनके कारण हम हैं। ये बातें आपके समझ में आएगी, आज नहीं तो 40 पे आ जाएंगी। जब 40 पे जाओगे वो बात अलग है, 40 पे जाओगे तो स्टेटस क्या होगा, इस लाइक होगी नहीं होगी। कि मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। तब इसको ऐसे कहते हैं कि सिलेक्शन मिले ना तुझे बाबा के बिना, बाबा मिले ना तुझे मेरे बिना, सिलेक्शन मिले ना तुझे बाबा के बिना, बाबा मिले ना तुझे मेरे बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया दुनिया चले ना श्री राम। सीता सीता हरण की कहानी सुनो। माफी चाहता हूँ, जिसने भजन लिखा है उसी का नाम बोलना चाहिए, सॉरी बोलते उनसे, पर हम थोड़ी मस्ती कर लेते भजन साहब साहब कि सीता अरे सीता 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 हरण की कहानी सुनो, तुम तो श्रवण की जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, तुम तो श्रवण की जुबानी सुनो। कि वापस मिले ना सीता राम के बिना, ये बात ठीक है कि सीता राम के बिना कुछ नहीं है, पर पता तो मान नहीं किया था ना, तो जोड़े मारवाड़ी जोड़े सत्य कि सीता मिले ना श्री राम के बिना, बेरा पड़े ना हनुमान के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना, बेरा पड़े ना हनुमान के बिना, ओ बेरा पड़े ना हनुमान के बिना, बेरा पड़े ना हनुमान के बिना, दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना